नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में, और यह एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है और स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस ने ड्रॉप हैमर फॉर्मिंग ऑपरेशन को रिप्लेस कर दिया है। और स्ट्रेच फॉर्मिंग ऑपरेशन को करने के लिए हमें एक स्ट्रेच प्रेस की ज़रूरत होती है और इसमें एक हाइड्रोलिक रैम लगा होता है, और ये जो हाइड्रोलिक रैम है इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव किया जाता है, और इसमें अलग से जो मेटल सीट होती है उसको ग्रिप करने के लिए दो ग्रिपिंग जा लगे होते हैं, और जो ग्रिपिंग जा हैं वो एक कैरिज के साथ अटैच होते हैं, जिसकी मदद से न्यूमेटिकली या फिर हाइड्रोलिकली फोर्स के द्वारा जो सीट है उसको स्ट्रेच किया जाता है। और जो रैम है उसके ऊपर एक प्रेस टेबल लगी होती है, और प्रेस टेबल के ऊपर एक फोम डाई होती है, इस जिसका दूसरा नाम स्ट्रेच फोम ब्लॉक होता है। और जो फोम डाई है वो जिंक अलॉय, स्टील, वुड या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। तो बात करते हैं कि इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। तो ये दो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ ये आपको देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जो मेटल सीट होती है या सीट मेटल होती है उसको ग्रिपिंग जाम में उसको फिक्स कर दिया जाता है, और उसको फिक्स करने के बाद जो रैम है वहाँ पर हाइड्रोलिक जो प्रेशर है वो अप्लाई किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो रैम है वो ऊपर की तरफ वर्टिकली मूव करता है। और जब ये मूव करता है तो क्या है कि जो सीट है तो उसके साथ जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है और जो टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, तो जैसे जैसे टेंसाइल फोर्सेस बढ़ जाती हैं जो सीट है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है एक नई शेप में, जो शेप हमने डाई ब्लॉक की बनाई है। और जो कैरीज होती हैं यहाँ पर भी हम जो ग्रिपिंग जहाँ हैं उनको स्ट्रेच कर सकते हैं जो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिकली फोर्सेस को लगा के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेच फॉर्मिंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो सीट है उसको स्ट्रेच करते हैं, साइमल्टेनियसली बेंट करते हैं, ताकि जो पार्ट हमें चाहिए उसको हम आसानी से बना सकें। और जो स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस होती है इसको करने के लिए जो मटेरियल फिजिबल रहते हैं, एल्यूमिनियम है, स्टेनलेस स्टील है, टाइटेनियम है, इनकोलन, ये बहुत सारे मटेरियल हैं जिसपे इसको किया जा सकता है। और जो स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस के द्वारा जो पार्ट बनते हैं उन पर हमारा जो शेप कंट्रोल है वो बहुत बढ़िया रहता है, और साथ में जो सरफेस क्वालिटी होती है वो हमें मिलती है, जो पार्ट हमें रोल्ड या फिर ड्रान पार्ट मिलते हैं उनके मुकाबले स्ट्रेच फॉर्मिंग से बनने वाले जो पार्ट होते हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन की कि जो स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस है इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका जो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज़ है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में है, और वहाँ पर ये लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर के पार्ट बनाने पड़ते हैं जिनकी थिकनेस जो यूनिफॉर्म वो क्रॉस सेक्शन होता है। तो जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, इसमें जो विंग टिप्स हैं, स्कूप्स हैं या बड़े लार्ज पैनल हैं वो बनाए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो स्ट्रेच फॉर्मिंग है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में भी इसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम पार्ट बनाने के लिए, ऑटोमोटिव बॉडी पैनल बनाने के लिए, और कुछ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस भी इस प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो जैसा हमने बात की कि जो स्ट्रेच फॉर्मिंग प्रोसेस है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सीट मेटल होती है हमारी या फिर जो मेटल ब्लैंक होता है जिसको हमने ग्रिपिंग जाम में जिसको फिक्स किया है, तो उसमें क्या है कि दो तरह की उसमें डिफॉर्मेशन होती हैं, प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती हैं, और ये डिफॉर्मेशन होने के बाद ही जो सीट मेटल है वो शेप ले लेती है जो शेप हम उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जिसका नाम है स्ट्रेच फॉर्मिंग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट के साथ, और एन यूनिवर्स डबल टू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।